नेक्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ी इसमें मिस्टेक हो गई थी, यहाँ प्लस वन और है, यहाँ भी प्लस वन और जितना है प्लस वन, तो 125। एक नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, फ्रॉम द टेबल एस्टीमेट मेड एस्टीमेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट टू ऑब्टेन मार्क्स। Between 40 and 45 मार्क्स दे रखे हैं, थर्टी टू फोर्टी, फिफ्टी टू सिक्सटी, सिक्सटी टू सेवेंटी, 72, 80। नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट 31, 42, 51, 35 और 31। सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, रीअरेंज द टेबल एज दे रखा एक्स, एक्स है ये मार्क, मार्क ग्लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बाय डेल बाय डेल स्क्वायर बाय डेल की पावर 3 बाय और डेल की पावर 4 बाय एक्स जीरो इक्वल टू 40 ग्लो से 50, 60, 70 और 80। बाय में निकला है कितना 31, 50 से ग्लो नीचे इनको प्लस कर देंगे तो ना हो जाएगा 73, 60। इनको तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 124। 70 इन तीनों को प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 159। 80 इन सभी को प्लस करेंगे तो ये आ रहा है 180। अब निकालना हमें डेल वाई, तो डेल वाई जीरो, डेल वाई जीरो इसमें से इसको माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये 27 में से 4 डेल वाई 1 इसमें से इसको माइनस करेंगे 51 आएगा,
डेल वाई टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 35 आ जाएगा, और डेल वाई थ्री इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 31 आ जाएगा। अब हमारे पास डेल स्क्वायर वाई जीरो निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस किया तो क्या बचेगा, इसमें से किया तो 9, इसमें से हम डेल स्क्वायर वाई वन ये जीरो था इसका निकाला तो क्या निकला, तो माइनस क्या आएगा 11 6 1 16, तो इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस अब यहाँ आएगा डेल स्क्वायर वाई टू, तो माइनस के 4, डेल क्यू वाई जीरो निकालेंगे, इसको इसमें माइनस करेंगे तो माइनस माइनस 25 हो गया, डेल क्यू वाई वन निकालेंगे तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस 4 प्लस 16 तो प्लस के 12 आ जाएंगे, ये निकालेंगे डेल की पावर 4 वाई जीरो, इसमें से इसको माइनस किया और 12 प्लस 27 37 अब इसमें निकालेंगे पी की वैल्यू, तो सबसे पहले लेट एक्स इजिकल टू क्या दे रखा था 45 और एक्स जीरो दे रखा था 40 और एच दे रखा है हमारे पास 10, जैसे डिफरेंस देखो 40 50 60 10 का डिफरेंस है, ये बिटवीन थे दोनों। अब पी इजिकल टू होता है एक्स माइनस के एच नहीं सॉरी एक्स माइनस एक्स जीरो अपॉन एच, एक्स वाली 45 माइनस 40 अपॉन 10, 5 अपॉन 10 इक्वल टू आएगा 0.5, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। क्या है हमारे पास, वाई इक्वल टू वाई जीरो प्लस के पी डेल वाई जीरो प्लस पी पी माइनस वन अपॉन फैक्टर टू डेल स्क्वायर वाई जीरो प्लस पी पी माइनस वन पी माइनस टू अपॉन फैक्टर थ्री डेल क्यू वाई जीरो प्लस पी पी माइनस वन पी माइनस टू और पी माइनस थ्री अपॉन फैक्टोरियल 4 और डेल क्यूआर 4 बाई 0 वैल्यू रखेंगे, तो ये बाई 0 की वैल्यू है 31 प्लस पी की वैल्यू है 0.5, डेल बाई 0 की वैल्यू क्या निकली है 42 प्लस पी की वैल्यू 0.5 1 माइनस नहीं 0.5 माइनस 1 अपॉन 2 और इसकी वैल्यू क्या निकली है डेल स्क्वायर वाई जीरो की 9 प्लस पी की वैल्यू 0.5 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 3 इंटू 2 इंटू 1 और डेल क्यू वाई जीरो की वैल्यू माइनस 25 माइनस के 25 प्लस 0.5 माइनस 1 0.5 माइनस 2 0.5 माइनस 3 अपॉन फैक्टर 4 4 3 2 1 और डेल की बार 4 बाई का 37। इसको रफ कर दें, अब इसको सॉल्व कर लो।
इसको पूरे को सोल्व करके जो वैल्यू निकली है 47.57, तो इसको 48 लिख लेते हैं, तो 48 लिखेंगे, तो ये दे रखा है, इसको हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग बिलो 45, यानी 45 मार्क से बिलो है, नीचे है, देयरफॉर इसलिए नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स मार्क बिलो 40 and 45, तो 48 माइनस के 31, इतने बस उसे कम थे 31, तो ये आएगा ये राइट आंसर।